हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली आप डिफाइन करोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके बेसिक आप कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में उसके कुछ फीचर्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपके पास में कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उसके अलग अलग सेक्शंस बनेंगे। तो उन सबको सेक्शंस बना के उसको प्लान करना, उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना और फिर उसके बाद में उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड आपको वर्क करना। सो दैट इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आप कहां से उसको स्टार्ट करते हो। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है कि आपका जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। फिर आप उसमें टाइम डिसाइड करोगे, उसमें बजट डिसाइड करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या की फीचर्स की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ आप डिसाइड करोगे, उसको आप फिर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और स्टार्ट करने के बाद फिर आप उसको मॉनिटर करोगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। अब इसके बाद आप है ना प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताओगे कि एक प्रोजेक्ट का टाइम कितना होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट में आपको कितने बजट की जरूरत पड़ सकती है, उस बजट को लेके आपके पास में क्या क्या एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए कि किस तरीके से आप एस्टिमेट लगाओगे, किस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, फिर उस प्रोजेक्ट में कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत पड़ सकती है। जनरली एक प्रोजेक्ट में एक ही मैनेजर होता है, बट अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको मोर देन वन प्रोजेक्ट मैनेजर लग सकते हैं। आपको टीम कितनी बड़ी चाहिए रहेगी उस प्रोजेक्ट के लिए और उस टीम का रिप्लेसमेंट क्या होगा, उस टीम में किस किस कोर कॉम्पिटेंसी के लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या IT के लोग की जरूरत है, उसमें आपको क्या MBAs की जरूरत है, उसमें क्या आपको मार्केटिंग के डिपार्टमेंट की जरूरत है, उसमें क्या आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इस तरीके से आप पूरा बनाओगे कि आपको किस किस लोगों की जरूरत है, कौन से काम की जरूरत है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब एक प्रोजेक्ट जो होता है उसका इनिशिएशन जो होता है वो आपका होता है जब आपका पास में कोई थॉट आता है, जब आपके पास में कोई आइडिया जनरेशन होता है। तो आइडिया जनरेशन से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो जब आपके पास एक आइडिया जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट कर दो कि इस आइडियाज मतलब आपके पास मान लीजिए 5-6 आइडियाज हैं, तो उस 5-6 आइडियाज में से आपका सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा रहेगा इंप्लीमेंट करने के लिए, आप वो सबसे पहले सी थ्रू करोगे। फिर उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट के बारे में R&D करोगे कि अब इस जो प्रोजेक्ट हमने सोचा है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी। बट वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आपको पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वो मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। तो उसके लिए आप उसके लिए मार्केट रिसर्च कराओगे। मार्केट सर्वे करने के बाद आप उसकी प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन पे आओगे तो अगेन वो आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा पहले आपको। उसके बाद फिर उसके अंदर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी लॉन्च नहीं हुआ है, प्रोडक्शन फेज में है, तो वो आपका एकदम जीरो फेज रहेगा क्योंकि आपके उस टाइम पे कोई सेल्स नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आपका एक अवेयरनेस फेज स्टार्ट होगा जब आप मार्केट में मार्केटिंग करना स्टार्ट करोगे और लोगों को अवेयर करोगे कि दिस सो एंड सो कंपनी इज लॉन्चिंग सो एंड सो प्रोडक्ट एट सो एंड सो प्राइस और उसके क्या फीचर्स रहने वाले। तो आप वो एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे, अवेयरनेस कैंपेन्स करोगे जिससे कि लोगों को पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो वो अवेयरनेस फेज रहेगा जहां पे आपके मेनली लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। उसके बाद आप लोगों को पिच करना स्टार्ट करोगे फॉर सेल्स कि ये ऑलरेडी लोगों का प्रोडक्ट पता चल चुका है, अब मैं चाहता हूं कि ये लोग परचेज करें। तो आप उस तरीके से मार्केटिंग करोगे कि आपका सेल्स जनरेट हो। तो फिर वो आपका ग्रोथ फेज होगा। फिर आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, फिर हो सकता है कि उसका एक स्टैग्नेंट फेज आ जाए। तो बहुत टाइम तक हो सकता है कि आपका स्टैग्नेंट फेज रहे और आप कंटिन्यूअसली एक ही तरीके की सेल्स आप कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते जाओ। फिर हो सकता है कि आपका डिक्लाइनिंग फेज आ जाए बिकॉज मान लीजिए आपका अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटग्रेड हो जाती है। तो जैसे आपने मान लीजिए आपने 3G फोन लॉन्च किया था, 4G फोन लॉन्च किया था, तो वो अब आउटडेट हो चुके हैं क्योंकि अब लोग 5G फोन डिमांड कर रहे हैं। तो फिर आपका डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब डिक्लाइनिंग फेज जो होगा वहां पे भी आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की कोशिश करोगे अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट रिवाइव हो सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में अभी आपको लग रहा है कि दम है और वो बाकी के जो कॉम्पिटिशन है उसके साथ कम्पीट कर सकता है सही प्राइस पॉइंट पे और उसमें अगर कुछ आप चेंजेस कर सकते हो तो उसके साथ आप रीलॉन्च कर सकते हो या फिर उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। बट इफ नॉट तो फिर वो डिक्लाइनिंग फेज में चला जाएगा और फिर आप उसका एग्जिट करोगे। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब जब आपने एक प्रोजेक्ट का आइडिया जनरेट किया है तो आइडिया जनरेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगी कि आगे आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेकर जाओगे। तो हर एक चीज़ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जैसे अभी आपने अलग अलग लाइफ साइकिल्स देखी तो लाइफ साइकिल भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो लेट से अवेयरनेस फेज है वो अवेयरनेस फेज मेरा कितना टाइम पीरियड का रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक 1.5 साल तक सिर्फ अवेयरनेस ही क्रिएट करते रहोगे क्योंकि हर कंपनी के पास जियो जितना पैसा नहीं होता कि वो उन्होंने फ्रीबीज बांटे अपनी 5G सिम के और
अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। बट हर कंपनी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकती, उनका मार्केटिंग बजट इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर उनको लिमिट करना पड़ता है अपने आप को कि मैं 3-6 महीने तक मैक्सिमम अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकता हूँ, उसके बाद मेरे को सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको टाइम शेड्यूल्स अपने हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि वो मार्केट फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो चीज़ डिफर कर सकती है, बट स्टिल आपको वो चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। फिर आपको अपना प्रोडक्शन प्लान करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, कि आपको कितने प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। देन प्रोडक्शन करने के बाद आपको सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि इतना आपने प्रोड्यूस तो कर लिया है, फिर अब मेरे को मार्केट में बेचना भी है, तो मेरे को कहाँ बेचना है, किस तरीके से बेचना है, किस प्राइस पॉइंट पर बेचना है, ये सब मेरे को प्लान आउट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इफ थिंग्स गो साउथ, कि अगर मतलब मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है बट वो अब काम नहीं कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट जब आपका डाउनग्रेड हो रहा है, तब उस कंडीशन पर आप किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रमोशन करते हो अपना प्रोडक्ट का, एडवर्टीजमेंट करते हो, ऑफर्स निकालते हो, जिससे कि आप ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हो, तो ये भी सब आपको प्लान करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको एग्जिट करना है उस प्रोडक्ट से, तो वो भी आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज पे आने के बाद मेरे को इस कंपनी से या इस प्रोडक्ट से मेरे को हट जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अब ये प्लानिंग और मॉनिटरिंग आपके एक जैसे होना चाहिए, कि आपने जो प्लान किया है और उसको जब आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, तो आप उसको मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे कि जो मैंने प्लान किया था, तो क्या वो टाइमली और करेक्टली एक्यूरेटली चल रहा है या नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला था कि आपको प्रोडक्शन के लिए आपको लेट से 1 करोड़ की ज़रूरत है, और 1 करोड़ का जो मतलब प्रोडक्शन आप यूनिट्स बनाओगे, उसमें आपकी 1 लाख यूनिट्स बनेंगी, और जो 1 लाख यूनिट्स बनेंगी उसको बनने में 2 महीने का टाइम लगेगा। तो आप मॉनिटर करोगे कि क्या इससे ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा, क्या इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, क्या मेरे को सेम नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल रही हैं। उस फिर जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका आप क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिटी कंट्रोल करोगे, क्वालिटी एश्योरेंस लोगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है। तो उसके बाद ही आप ऑब्वियसली अब 1 करोड़ का बैच बना रहे हो, तो आपको इनिशियली ही मॉनिटर करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि जब आपकी 10 यूनिट बन गई, 100 यूनिट बन गई, तो आप उसी में उसका क्वालिटी चेक करोगे कि वो सही प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जो भी आपने प्लान आउट किया था, आप उसको टाइमली मॉनिटर करते जाओगे। फिर मॉनिटर करने के बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्ट कंट्रोल। प्रोजेक्ट कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी आपका लेट से आपके में कोई एरर आ गया, लेट से आपने प्लानिंग करी थी कि आपको 1 लाख शूज़ बनाने, बट आपका जो बजट है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, आप बना तो रहे हो 1 लाख शूज़ लेकिन अब उसमें 1 करोड़ से ऊपर लग रहा है, तो अब आपके 2 चीज़ें हैं। या तो आपने एक सप्लीमेंट्री बजट बना के रखा होगा कि अगर इन केस मेरा 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाएगा, तो फिर मैं वो अपने सप्लीमेंट्री बजट से निकाल लूंगा, तो या तो आप वहां से निकाल सकते हो, या फिर आपको अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने वेंडर से बात करना पड़ेगी जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो आप अपने सप्लायर्स के बाद जाके उस जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे, या फिर आप दूसरे मेथड्स लगा के आपका प्रोडक्शन कॉस्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपका जो बजट है वो कंट्रोल हो पाए। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट कमाना है, तो अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो फिर आपको जो फाइनल प्राइस है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हो सकता है जो आपने मार्केट सर्वे किया हो कि ये जो प्रोडक्ट है लेट से कि वो 1000 रुपए पे मार्केट में लोग इसकी डिमांड ज्यादा होगी, बट अब आपका क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको वो 1200, 1300, 1500 में सेल करना पड़े, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो थोड़ा सा तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी वहाँ से। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।